हेलो बच्चों, कैसे हो सारे सारे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेक्टर या स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन की, जो कि हमारा अब लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, अब देखो पहले ये समझो कि एक करेक्टर और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या होता है। एक करेक्टर जो है वो सिंपली क्या, एक लेटर हमारा क्या है, हम इसको बोलते हैं एक करेक्टर। ठीक है, लाइक अगर हमारा ये ए है, ये ए, तो ये हमारा क्या एक करेक्टर है। अगर बी है, ये हमारा करेक्टर हो गया। अब एक स्ट्रिंग क्या होती है, एक स्ट्रिंग होता है एक ग्रुप ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर एक स्ट्रिंग की, सो एक स्ट्रिंग क्या है, एक स्ट्रिंग है ग्रुप ऑफ करेक्टर्स। सो अगर आपको बैकग्राउंड के पटाखे की आवाज़ आ रही हो, सो उसके लिए सॉरी, बिकॉज दिवाली में अभी टाइम है, लेकिन बच्चे जो बाहर के हैं वो शुरू हो गए हैं पटाखे के लिए। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ना आवाज़ आए, बट फिर भी ठीक है। तो स्ट्रिंग या ग्रुप ऑफ करेक्टर्स होता है। अब बात आती है इनकी रिप्रेजेंटेशन की, किसकी बात आएगी, रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, अब देखो क्या है रिप्रेजेंटेशन के। यहाँ पर मैं आपको दो टॉपिक आपके रिप्रेजेंटेशन के अंदर रहने वाले हैं। पहला रहेगा ASCII कोड। क्या है पहला, ASCII कोड, ASCII। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले आपको ASCII का जो फुल फॉर्म है वो आपको याद करना है। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये तो बात हो गई देखो फुल फॉर्म की, कि ASCII का फुल फॉर्म क्या है। बट अब ये समझो कि ASCII बेसिकली है क्या। देखो आपकी किताब में, अगर मैं आपकी बुक में बात करूं, तो आपको एक टेबल दी गई होगी। आपको कुछ ऐसी टेबल मिल जाएगी कि किस करेक्टर का क्या 7-bit ASCII कोड है, क्या डेसिमल में वो बोलते हैं, क्या ऑक्टल में, और क्या उसको हेक्सल में बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि जो भी हमारे नॉर्मल ABCD हैं, ठीक है, यानी कि जो भी हमारा करेक्टर सेट है, जो मैंने आपको बताया सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि हर लैंग्वेज का करेक्टर सेट होता है, तो उसमें हर एक करेक्टर का ईच करेक्टर हैज इट्स कोड। ठीक है, ईच करेक्टर हैज इट्स कोड। अब क्या होता है कि सब करेक्टर का अपना कोड है। तो जब आप क्या टाइप करते हैं, हम एक करेक्टर को टाइप करते हैं, बट हमारा कंप्यूटर क्या समझता है, हमारा कंप्यूटर उस कोड को समझता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि आपको जो याद करने आपका ये काम आएंगे, कैपिटल ए का जो ASCII कोड है वो है 65। ठीक है, कैपिटल ए 65 से शुरू होता है, स्मॉल ए आपका शुरू होता है 97 से। ठीक है, अब आप यहाँ से निकाल सकते हो, बिकॉज आगे हम ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे जब मैं आपको पाइथन पढ़ाऊंगा कि हम उससे हम अगर यहाँ से उससे बोलते हैं कि भाई आप एक करेक्टर एंटर करेंगे हम, और ASCII कोड आउटपुट में हमको चाहिए होगा, या फिर हम ASCII कोड एंटर करेंगे और हमको इसका करेक्टर चाहिए होगा। ठीक है, यानी कि वाइस वर्सा भी यहाँ पे कर लेंगे। तो ये बात हो गई ASCII कोड के बारे में, ठीक है, जो कि अभी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब यहाँ से मैं आपको एक और हमारा टॉपिक बचता है, वो है अब ASCII कोड था, तो फिर दूसरा टॉपिक हमारा ASCII कोड। अब भैया ये क्या है, देखो ये भी आप समझ लो। ओके, इसका देखो फुल फॉर्म, देखो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब जैसे कि आपका वो था क्या कि लाइकवाइज जैसा हमारा ASCII कोड था, तो ASCII क्या था, अमेरिकन का था। अब सेम चीज क्या है, इंडियंस की है। अब हम इंडियन, देखो इसकी मदद से हम करते क्या है, होता आपका ये भी 7-bit का है और वो भी आपका 7-bit का होता है। इसके अंदर से जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं ना, हम उनको भी कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो आपको दो आपके एग्जांपल हैं, बंगाली और देवनागरी, इसमें दो एग्जांपल रहेंगे।
जैसे एसक्यूएल में क्या था कि हमारे जो एबीसीडी करेक्टर सेट था वो हम अपना प्रोग्रामिंग के अंदर उसको इनपुट ऐसा इनपुट और उसको यूज कर पा रहे थे, बट यहाँ पर ICRR कोड की हेल्प से हमारे पास जो देवनागरी है, ठीक है, देवनागरी, देवनागरी का एक हमारा है ISCII कोड स्क्रिप्ट है, बेसिकली एक सेकेंड, हाँ स्क्रिप्ट है, ओके, ये हमारी देवनागरी की स्क्रिप्ट है, और दूसरा, दूसरी हमारी है बंगाली की। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी हेल्प से, हम इसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, ISCII कोड की हेल्प से अपनी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, वो जो स्क्रिप्ट्स हैं, उनको भी हम प्रोग्रामिंग के अंदर कंप्यूटर में उनको यूज कर सकते हैं। तो बस इसी वीडियो के साथ में यहाँ पे चैप्टर 2 आपका कंप्लीट होता है, और हम आगे अगली वीडियो से, अब आप लोग कमेंट करके बताओगे कि आपको चैप्टर 3 पहले कवर कराया जाए, बिकॉज कई स्कूलों में मेरा सिलेबस थोड़ा लेट हो गया था, तो चैप्टर 3 तो मैं दो से तीन दिन में कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद आपका चैप्टर 6 से भी शुरू करना है, बट चैप्टर 6 शुरू करने से पहले चैप्टर 5 भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चैप्टर 5 जो है, आप देखो मैं आपको बता दूं चैप्टर 5 में है क्या, बेसिकली आप लोग अगर ये चीज समझ गए तो फिर बात है कुछ और। देखो चैप्टर 5 में फ्लो ऑफ कंट्रोल, यानी कि अगर आपने चैप्टर 5 नहीं पढ़ा और आप सीधे अपने चैप्टर 6 पे जाओगे, तो यार आपको जब प्रोग्राम करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। अगर हम चैप्टर 5 अच्छे से कर लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको चैप्टर जो 5 है वो पहले करा दिया जाए सही से। तो इसके लिए यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना, ताकि थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों को ऐसे ही कंटेंट बना के दूं जिससे कि आपकी प्रोग्रामिंग की नॉलेज इंक्रीज होनी चाहिए और नंबर तो आप अपने आप ले जाओगे। बाकी बस मिलेंगे आप सभी से एक और ऐसे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।